दोस्तों मेरा काम तो शुरू हो गया है, यही एंड है टायलेट का और ये हमारा ब्रेक शू। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं खिचड़ी बनाने के लिए। आज शनिवार है तो बहुत दिन से हम खिचड़ी बनाए नहीं है, तो आज भाई के ही मतलब ट्रक में, इनके ट्रक में है। देखिए दोस्तों काम तो मेरा हो गया, तो सब मिला जुला के 26,600 का बिल हुआ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमने ब्लॉग में आपसे फिर स्वागत है। दोस्तों पिछला ब्लॉग में आप देखे थे कि हमारा गाड़ी आयसर कंपनी में आया हुआ और काम हो रहा है, तो काम कुछ गया था बाहर होने के लिए, इसलिए वो हम लेट हो गए तो फंस गए थे। तो आज हमारा गाड़ी जो है पूरा कम्प्लीट होकर निकलने वाला है, पूरा सामान भी आ गया, मिस्त्री वगैरह सब आ गया है, सब काम में अपना लगा हुआ है। तो चलते देखते हैं आज हमारा काम लेकिन हो जाएगा, क्योंकि आज हमको यहाँ से निकलना भी, शाम तक यहाँ से काम होकर निकल भी जाएगा। ये देखिए रिचीट वगैरह कल गया था बनने के लिए, तो ये सब का कीट वगैरह लगता है, तो कीट वगैरह बन के आ गया है। ये दोनों है, ये सबसे क्या है कि ब्रेक का है, ये सब लग जाने के बाद ना ब्रेक बहुत ही अच्छा तरह से लगेगा। ब्रेक शू वगैरह भी चेंज हो रहा है, ब्रेक शू लग रहा है और सारा साफ सफाई करके एकदम और पूरा धोधा कि ये पुराना जो माल जो निकला है इसका जो है वो निकला है पुराना, यही वाला सब निकला है इसका, और वो भी लग रहा है ना। हाँ देखिए ये भी दोनों लग रहा है अभी। तो ये जो मेरा टायर मेरा बबलिंग करता था उसके लिए ये है टायलेट का, तो ये भी मिल गया, ये भी लग रहा है अभी। तो आज हमको दिन भर आज रहना ही पड़ेगा, फिर भी काम हो गया पूरा कम्प्लीट, दिन भर लग जाएगा आज। अभी कुछ सामान आने वाला रांची से ना, हो गया ना। चलिए ठीक है, काम कराइए जल्दी जल्दी। दोस्तों अभी करीब दोपहर के 12 बजने वाले हैं और हमारा गाड़ी का काम तो चल ही रहा है, लग रहा है कि करीब मतलब शाम में 3-4 बजे के आसपास हमारा गाड़ी बन जाएगा। जो लेथ में जो काम किया था बस वही अभी तक नहीं आया, वो आ जाएगा, वो लगाएंगे, उसके बाद फिर सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे खिचड़ी बनाने के लिए। आज शनिवार है तो बहुत दिन से हम लोग खिचड़ी बनाए नहीं है, तो आज भाई के ही मतलब ट्रक में, इनके ट्रक में है। देखिए इनके ट्रक में आज सोचे खिचड़ी बनाने का। ये देखिए ये दाल वाल सब कुछ डल रहा है और ये रहा हमारा चावल। दो दिन से मतलब हम लोग अभी साथ में, इनका गाड़ी का भी बहुत काम है ना। हाँ अभी बहुत काम, कल फ्री होंगे। तो हमारा तो देखिए बोल रहे आज अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर अभी हम लोग को भी रुकना पड़ेगा। इसको अच्छे से धोधा के पहले ये लोग देखिए खाना यहाँ पे बनाते हैं, मतलब नीचे में ये लोग ऐसे बाहर सीट में निकाल के नहीं, इसी के अंदर ही बना लेते हैं। दोस्तों अभी हमारा खिचड़ी तो यहाँ चढ़ा दी है कुकर में, 3-4 सीटी के बाद बस बन जाएगा। और थोड़ा बारिश का मौसम, आज सुबह से बहुत तेज बारिश हो रहा है, रात में तो बहुत तेज हुआ था और थोड़ा पानी भी इधर भर गया था और गाड़ी भी बहुत ज्यादा आ गया। देखिए जैसे हमारा काम खत्म होगा उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी भी निकालने में थोड़ा दिक्कत होने वाला है। दोस्तों हमारा खिचड़ी बन चुका है और देख सकते हैं कुकर में बना है। अभी इनका गाड़ी में बना, मेरा गाड़ी में तो खैर जगह ही नहीं था क्योंकि काफी ज्यादा मिस्त्री लोग काम चल रहा था। अभी मिस्त्री लोग का भी लंच हो गया तो हम लोग का भी हो गया लंच, अब काम कराते हैं। आज शनिवार था, काफ़ी दिन हो गया शनिवार खिचड़ी खाए नहीं हम लोग। तो ये मेरा साथ में था, ये गाड़ी वाला ये भी है, नहीं थारी देखिए बोलो इधर, सब साथ में मिलजुल के हो जाता है। थोड़ा सा अभी आने वाला सीजन, ऐसे गोभी वगैरह तो मार्केट में आ गया है लेकिन उतना ज़्यादा भी आया नहीं है। ठंडा वाला जो गोभी निकलेगा वो अच्छा रहेगा, मटर वगैरह दे करके बनता है जो ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो बनेगा धीरे धीरे आने वाला है गोभी वोभी। खिचड़ी कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सोयाबीन और आलू देकर मिश्री बना है, सिर्फ आलू और सोयाबीन मिल गया यहाँ पे, वही डाल के बनाया गया है। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बनेगा तब तक गोभी मटर सब आ जाएगा मार्केट में, तो बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है अभी भी। दोस्तों काम तो मेरा लगभग होने ही चला है, थोड़ा सा बारिश बीच में हो गया था, तो इस साइड जो हिस्सा है वो शेड के बाहर का हिस्सा है, तो पानी आ गया था तो काम रुक गया था। इस साइड को मेरा लगभग काम हो ही गया है, तभी हम लोग खाना भी हो गया, बहुत अच्छा लगा खाना खिचड़ी खाने में। और देखिए चटाई बिछा हुआ है तो जा रहे थोड़ा, अभी लंच टाइम भी ऐसे हो गया, अभी कम से कम 1 घंटा के बाद ही वो लोग आएगा, तो हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो तकिया वो तकिया दो, तो चलते हैं तकिया लेकर के, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद तब तक वो लोग भी आ जाएगा, अपना काम शुरू कर देगा, तो फिर अपना काम आज शाम में हल्के निकल जाएंगे हम लोग। दोस्तों अभी अपना काम फिर से स्टार्ट हो चुका है और जो हमारा जो नट गिरा था चैम्बर में, तो वही पता कर रहे कहां से वो गिरा था। तो देखिए अभी ये सब कुछ खुल रहा है, उसके बाद ही मालूम चलेगा। दोस्तों अभी देखिए खुल चुका है और ये भी बहुत ज्यादा गंदा है ना, बहुत गंदा है अभी है, पूरा साफ करना पड़ेगा ना। पूरा सफाई करना पड़ेगा एकदम। दोस्तों अभी करीब शाम के 7 बज चुके हैं, अब जाके हमारा गाड़ी पूरा कंप्लीट हो गया है, टायर से लेके आगे इंजन तक का सब कुछ पूरा लग गया, सब कुछ बंद भी कर लिया बोनट उनेट। और एक बार ट्रायल में भी गए थे गाड़ी हमारा चेक करके, साथ में मिस्त्री भी गए थे, तो पूरा चेक करके घुमा के 1 किलोमीटर चला के आ गया है। और अभी पापा गए हुए हैं ऑफिस में पूरा हिसाब करने के लिए, कितना खर्चा हुआ क्या हुआ,
तो अभी आएंगे तभी मालूम चलेगा कितने का बिल बन गया हमारा। ऐसे तो पापा बोल रहे कि बिल तो लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही बनेगा, अब आने के बाद ही मालूम चलेगा। तो चलिए, दो दिन लगा पूरा गाड़ी का काम करवाने में, उसी बीच में हम लोग का दो लोडिंग भी छूट गया, थोड़ा बाहर का ही लोडिंग था लेकिन छूट गया, कुछ कर नहीं सकते। हम लोग को लगा कि बस आएंगे शाम तक निकल जाएंगे ऐसा करके, लेकिन दो दिन लग गया। तो बस अब पापा का इंतजार कर रहे हो, जैसे आएंगे फिर बताते हैं बिल, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। अभी जो हम लोग ये चादर बिछाया है, इसके नीचे जो ये हमारा ये है, ये पूरा देखिए गंदा हो गया, ये जो कवर दिया जाता है ये पूरा गंदा हो गया, ग्रेस व्रेस लग गया इसमें तो बहुत ज्यादा। तो ये सब हम लोग को वापस धोना पड़ेगा। ये तो ऊपर वाला हम धो लेंगे और ये सब कुछ खोलना पड़ेगा, ये सीट का वो सीट का सब पूरा धोएंगे तब जाके थोड़ा अच्छा लगेगा, फ्रेश फ्रेश होना। ग्रेस मोबिल पूरा लग गया, नीचे का हाल तो बहुत ज्यादा खराब हो गया। इधर ये देखिए पूरा गंदा हो गया, सब साफ करना पड़ेगा। दोस्तों अभी करीब रात के 8 बज चुका है और अब जाके पापा आ गए। किधर गए? इधर आ रहे हैं। बहुत बारिश हो रहा था इसलिए इसको बंद कर दिए थे गेट को। दोस्तों काम तो मेरा हो गया और अच्छे से ही हुआ है। तो मोबिल पलटी ये सब काम तो खैर हमारा लगा कि 15-16 हजार में हो जाता है, मोबिल का जैसे ब्रेक्स वगैरह एक्स्ट्रा काम जो बहुत हुआ, लेदू गया ये सब हुआ, तो सब मिला जुला के 26,600 का बिल हुआ मेरा। तो 26,600 का बिल पेमेंट कर दिए, अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं कंपनी से। और कल पड़ रहा है संडे और कल हमारा कुछ लोडिंग उडिंग कहीं कुछ होगा नहीं। दोस्तों आज जब हम काम करा रहे थे तो काफी मिस्त्री है कि बहुत जल्दी छुट्टी ले रहा था, तो हम बोले भाई आज क्या चीज ऐसा छुट्टी है, तो वो लोग बताए कि आज कर्मा त्यौहार है। तो कर्मा त्यौहार हम भी जानते हैं, झारखंड में कर्मा त्यौहार मनाया जाता है। ये भी एक ऐसा जैसे रक्षाबंधन होता है भाई बहन का, वैसा ये भी एक भाई बहन का त्यौहार होता है। तो कर्मा, तो हम तो जितने झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं कर्मा त्यौहार का। और इसके बाद क्या है कि फिर आने वाला हम लोग का विश्वकर्मा पूजा, तो इस टाइप का त्यौहार अभी अब लाइन चला गणेश पूजा के बाद हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि त्यौहार का चालू हो जाता है, फिर दशहरा दिवाली छठ ये सब आते रहेगा। तो आज हमारा क्या था कि एक लोडिंग का बात हुआ था, वो हम पहले ही कर लिए थे। हम सोचे थे कि मेरा कल काम हो जाता तो आज का हम लोडिंग कर लेते, लेकिन हमारा काम हुआ नहीं, गाड़ी मेरा रुक गया, तो वो माल हमारा लगभग कैंसिल हो गया। वो बोले कि भाई गाड़ी मांगे थे तो गाड़ी हम दे नहीं पाए टाइम से, क्योंकि मेरा काम ही नहीं हुआ था। तो अब हम नया माल का देख रहे हैं कि नया माल कहाँ का मिलेगा। दोस्तों टोल टैक्स पास आ गए हैं और गाड़ी खड़ा कर दी, अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो खाना वाना खाते हैं फिर देखते हैं आगे का प्लानिंग क्या होता है, यहीं रुकते हैं कि आगे क्या करना है। तो बाद में डिसाइड करेंगे, ये चीज़ अभी क्लियर हो नहीं पा रहा है, तो चलते पहले खाना खाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग होटल के पास आ गए, ये रहा होटल, यहीं पे खाना खाएंगे अभी। दोस्तों हमारा खाना तो आ गया है, देख सकते खाना लग गया हमारा। और बाहर आज एक चीज चेंजिंग क्या लग रहा है कि आज ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। आज तो हमको लग रहा है कि कूलर पंखा कुछ नहीं चलने वाला है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मौसम में बारिश बहुत हुआ, जबरदस्त बारिश हुआ, सुबह से ही बारिश हो रहा था तो काफ़ी देर तक बारिश हुआ, तो अभी मौसम देख रहे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो चले ऐसे भी तो रांची एरिया थोड़ा ठंडा एरिया है ही हम लोग का, और थोड़ा बहुत जहाँ ठंडा पड़ जाता है ना और ज़्यादा हो जाता है, तब हम लोग का ठंडा धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है। क्या अभी हम लोग काम को लाते आग महीना में लोग स्वेटर में आने वाला है। ठीक है चलिए अभी खाना खाते हैं। अभी तो सर खाना खा के आ गए हैं और हमारा प्लानिंग तो है कि ट्रांसपोर्ट वगैरह हम बात कर रहे हैं, ऐसे भी ऐसी बात चल रहा है, दो चार ट्रांसपोर्ट ऐसा है कि संडे कोई बातचीत करता है, तो हम सोच रहे हैं कि अगर बात वैसा हो जाता है, अगर फाइनल हो जाएगा मेरा माल का, तो प्लांट में ही चले जाएंगे, वहीं गेट पे लगा देंगे, चलो अपना संडे लोड नहीं होगा, अलग बात है, वो मंडे को लोड करेगा, फाइनल हो जाएगा हमारा। तो ये सब लेकर के हम अभी यहीं पे सोने वाले हैं रात में, और सुबह फिर हम अपना फोन लगाना चालू कर देंगे। और एक चीज़ और क्या, हम जो गाड़ी का जो काम कराए हम, तो काफ़ी अच्छा काम हुआ, थोड़ा सा माइलेज के लेकर के हम टाइफिड भी मिलवाए, जो टाइफिड कभी मिलाए नहीं थे, टाइफिड मिलवा दिया आज। और बहुत सा काम से चका ग्रीस जो हुआ मेरा एक ही हुआ, क्योंकि वो ग्रीस आ गया था, समय भी हुआ नहीं था, तो लेकिन मोबिल पलटी वगैरह सब करा लिए, ग्लासी वगैरह सब चेंज करा लिए। तो ये सब काम कराने के बाद मतलब क्या है कि उसका समय हो चुका था, तो मोबिल पलटी करा दिए, उससे मेरा धुआं का भी शिकायत भी फर्क पड़ जाएगा, और एवरेज का अब चलेगा रोड में तो मालूम चलेगा। ऐसे तो बोल रहा है कि ट्रैफिक के चलते भी आपका बहुत फर्क था, वो भी सेट कर दिया है, और मोबिल भी चेंज हो गया सब टाइम से, डीजल फिल्टर वगैरह सब, तो फर्क पड़ सकता है। तो चलने के बाद ही हम देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या हमारा फर्क पड़ा। तो ठीक है दोस्तों अभी हम सोते यहीं पे, अब देखते हैं लोडिंग क्या होगा, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखने में मिलेगा कि हमारा लोडिंग कहाँ का हो रहा है। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।